हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू वर्ल्ड सक्सेस पर। और देखो, आपने बहुत सारे मैसेज मुझे को व्हाट्सएप पे किए हैं कि कैसे एएलपी वाले टेक्नीशियन वालों बहुत सारी समस्याएं आपकी हैं, तो उसी के चलते वैसे तो मैंने आपको इंडिविजुअल मैसेज भी कर दिए हैं, लेकिन एक बार यहाँ पर भी दिखा देता हूँ क्या आपकी समस्या है और उसका क्या सोल्यूशन बन सकता है। तो सबसे पहले आप किसी भी साइट पर चले जाइए, जैसे आपको पोस्ट और जोन सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप किसी भी साइट पर चले जाइए। और सबसे पहले आपको क्या करना है उसके लिए, आपको यहाँ पर एक इस तरीके का ऑप्शन आ रहा होगा, असिस्टेंट लोको पायलट वेरियस टेक्नीशियन पोस्ट। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इसमें जोन प्रेफरेंस और बैंक अकाउंट की सारी डिटेल मांगेगा आपसे, तो इसमें आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक कर देंगे इसमें आपको नीचे आएंगे आप, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपको चेकबॉक्स जो होते हैं इनको क्लिक कर लेना है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस सारी चीज़ें को, और यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आपका आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, अपनी डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड आपको दिया गया है, सेम ऐसे इसको यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद हम लॉगिन कर देंगे। तो उसके बाद आप सीधे यहाँ पर इस पेज पर आप आ जाएंगे, यहाँ पर आपके सामने खुलकर ये इंटरफेस आ जाएगा। आपको फिर क्या करना है, देखो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है, जैसे वहाँ आपको नोटिस में मैंने समझाया था, चार ऑप्शन इस तरीके से आ जाएंगे। सबसे पहला है आपको RRB सेलेक्शन, तो आप सारे RRB के नाम यहाँ पर आपको दिए हैं, जो भी आपको पसंद आता है, जो भी आपको सही लगता है अपनी वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो मैंने पहले भी आपको बताया था वीडियो में कि किसी कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा इसमें कि आप ये वाला बोर्ड चूज कर लो, ये वाला बोर्ड चूज कर लो। अगर मान लिया मैंने आपको बता दिया आप चंडीगढ़ चूज कर लो, वहाँ पर गलती से मेरिट हाई चली गई, तो आप मेरे को बोलोगे कि आपने बताया था चंडीगढ़, तो ये कोई नहीं एक्सपेक्ट कर सकता है कि कहाँ की मेरिट कितनी जाएगी, क्योंकि क्या पता कितने बच्चे कहाँ पर पहुँच जाएँ। तो ये जो रिस्क है ये तो आप लोग खुद ही उठाओ तो ही ज़्यादा बेहतर है, और करना भी आपको चाहिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, ये इतना रिस्क तो उठा सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से, अपने डिसीजन के हिसाब से इनमें से कोई सा भी एक बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर सिक्योरिटी कोड जो दिया गया है इसको भरकर आप यहाँ पर चेकबॉक्स साइन कर लेंगे और इसको फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे आ जाएंगे पोस्ट प्रीफ्रेंस पर। अच्छा, नीचे शायद हमने भरा नहीं है, इसको एक बार भर देते हैं सिक्योरिटी कोड को। तो ये है 3594M, यहाँ पे हम इसको भर देते हैं और हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर आ गए हैं। अब आप कह रहे थे कि जो बीटेक वाले हैं वो एएलपी भरेंगे, टेक्नीशियन भरेंगे, ट्वेल्थ वाले टेक्नीशियन भरेंगे, क्या भरेंगे क्या नहीं भरेंगे, तो आपको भरने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। आप यहाँ पर देखेंगे अगर कोई बच्चा क्वालिफाई कर रहा है लोको पायलट के लिए तो उसका लोको पायलट शो होगा, कोई टेक्नीशियन के लिए क्वालिफाई कर रहा है तो उसके लिए टेक्नीशियन शो होगा। अब यहाँ पर कोई वैकेंसी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कोई प्रेफरेंस शो नहीं हो रही है, यहाँ पर क्या लिखा है कि एलिजिबल पोस्ट RRB इज डिस्प्लेड बिलो, यहाँ पर आ रही होंगी, तो आप उनमें से अगर आपको आ रही हैं उनमें से प्रीफ्रेंस दे दीजिए। इसका मतलब आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो रेलवे ने ऑटोमेटिक ही लिया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बस उनमें आप ये देख लें सबसे पहले आप किस में जाना चाहते हैं, उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से आप उसको फिल करते जाएं। अब यहाँ पर तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ आपको वन फिल कर देना है। ठीक है, वन फिल करते ही जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये कन्फर्म आपके लिए मांगेगा, और मैं इसको कन्फर्म नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो एडिट पर हम छोड़ देते हैं। फिर आप यहाँ पर एग्जाम ट्रेड जो चूज करनी होती है, एक बार चलो कर लेता हूँ आपके लिए कन्फर्म। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एग्जाम ट्रेड शो होने लगेगी, तो एग्जाम ट्रेड आप क्लिक करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपको दी गई है फीचर, दी गई है हीट इंजन है, मैकेनिस्ट है, मैकेनिक डीजल है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक है, और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, टर्नर है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं, और ये किसके अकॉर्डिंग आई हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शो हो गई हैं, जो पेपर फिल किया गया है वो बीटेक लेवल से किया गया है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर शो हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो पोस्ट होगी, जैसे आप ट्वेल्थ के लिए हैं तो आपके लिए वो शो होंगी यहाँ पर, 10+2 के लिए फिजिक्स और मैथ भी शो होगा यहाँ पर, तो वो सर आप अपने अकॉर्डिंग चूज करें जो आपकी ब्रांच रही है। फिर एक दूसरा डाउट आपका ये आता है कि जो हमारा पेपर आएगा वो ट्रेड से आएगा, या हमें जो पोस्ट मिलेगी जो हम जॉब करेंगे वो ट्रेड से होगी, तो ट्रेड से सिर्फ आपका पेपर आना है। आप यहाँ पर देखिए एग्जाम ट्रेड लिखा गया है, तो इससे सिर्फ आपका जो सेकेंड पार्ट बी है वो आएगा, और उसके लिए आपको 35 मार्क्स लाने होंगे, उन्होंने क्राइटेरिया रखा है, वो क्वालिफाई करना है आपको, उसके मार्क्स भी नहीं जुड़ेंगे आपके। तो ठीक है, ये सारी चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद आप बैंक डिटेल अपनी जो भी है आप
सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं करना है। पोस्ट प्रीफ्रेंस में जो आपको मिलेंगी उनमें से चूज करना है, आरआरबी आप सिलेक्शन करेंगे, पोस्ट प्रीफ्रेंस करेंगे, एग्जाम ट्रेड आपके सामने यहाँ पर खुल कर आएंगी, जो आपकी क्वालिफिकेशन है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ रही हैं, तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस अपना यहाँ पर फिल कीजिए और थोड़ा सा ध्यान से फिल कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने पहले बोल दिया है कि अगर आप एक बार फिल कर देंगे, सबमिट कर देंगे फाइनल, तो फिर आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा केयरफुली आप चीज़ को ध्यान से, कई बार पहले भी गलतियाँ करी थी ट्रेड चूज करने में या पोस्ट प्रीफ्रेंस चूज करने में, इस पर आप एक बार अच्छे से एक बार देख कर आप इस चीज़ को सबमिट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, यहीं पर ख़त्म करूँगा, क्योंकि ये सारे डाउट आपके थे, मैंने आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, इनसे अलग डाउट है, तो वीडियो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिए, दोबारा से देख लीजिएगा एक बार, सारे मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आप सभी के पास मेरा है, नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड जो PDF है वो आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, जो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार रेलवे ग्रुप डी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो वीडियो हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए फिर इतना ही, मिलेंगे किसी नए अपडेट और नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।